राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग का श्लोक 8 देखते हैं। पहला चरण र र में अमिक्स करेंगे, रसो, सो के बाद में है अवग्रह, आपको सो की मात्रा को लंबा खींचना है, रसो, और फिर अवग्रह के बाद में ह पूरा, ह में अमिक्स करना ह, म के साथ आधा प मप सु, रसो ह मप सु, क पे औ की मात्रा कौ, कौ के साथ आधा न कौन ते, य में अमिक्स करेंगे कौन ते य। पहला चरण रिपीट, रसो हम अपसु कौन ते य। दूसरा चरण प्र, प्र का अर्थ होता है प आधा और र पूरा, पी आर ए प्रभा, मात्रा के अंदर है आधा स, आधे स को भाग के साथ पढ़ेंगे प्रभास, और म पे ई की मात्रा लगाएंगे मी, प्रभास मी, श, श मी अमिक्स करते हुए छोटी शी के साथ बोलना है शशि, सु की मात्रा बड़ी लंबा खींचेंगे सु, य के ऊपर आधार है उसको पढ़ना सूर, य में अमिक्स करना सूर्य, यो, यो में ओ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हो, सूर्य यो हो। सेकेंड चरण रिपीट, प्रभास्मी शशि सूर्य यो हो। पहला और दूसरा चरण साथ में, रसो हम अपसु कौन्ते य, प्रभास्मी शशि सूर्य यो हो। तीसरा चरण देखते हैं प्र, जैसे अपन ने दूसरे चरण में देखा ये भी वही प्र है, पी आर ए प आधा और र पूरा, ण पूराक्षर अमिक्स करेंगे ण, व पूरा व में अमिक्स करेंगे व, प्रणव, व में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, प्रणव ह, स में अमिक्स किया व के ऊपर आधा र सर, और व में अमिक्स करेंगे सर्व, वेदेशु, षटकोण थोड़ा सा तेज पढ़ा जाता है वेदेशु। तीसरा चरण रिपीट, प्रणव सर्व वेदेशु। चौथा चरण श, श के साथ आधा ब शब, द में अ मिक्स करेंगे शब्द, द में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, शब्द ह, खे, प पे औ की मात्रा, जैसे अपन ने पहले चरण में कौन ते ये पढ़ा बिल्कुल वैसे ही पौ रू की मात्रा छोटी पौ रू, श, श में अमिक्स करना है पौ रू श, शब्द पुराण के बाद श पे अनुस्वार आधा म पौ रू शम, न के नीचे री से ऋषि की मात्रा, इसमें न आधा है और री की मात्रा एन आर आई नृ नृषु। चौथा चरण रिपीट करते हैं, शब्द खे पौरुषम ऋषु। तीसरा और चौथा चरण साथ में, प्रणव सर्व वेदेशु शब्द खे पौरुषम ऋषु। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, रसो हम अपसु कौन्ते य, प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो, प्रणव सर्व वेदेशु शब्द खे पौरुषम ऋषु। एक बार फिर से, रसो हम अपसु कौन्ते य, प्रभास्मि शशि सूर्य यो हो, प्रणव सर्व वेदेशु शब्द खे पौरुषम ऋषु। श्लोक का अर्थ देखते हैं। यहाँ भगवान श्लोक नंबर इस 8 से लेकर इसी अध्याय के 12वें श्लोक तक बताएंगे कि जो कुछ भी कार्य हमको दिखता है उन सब के मूल में परमात्मा ही है। देखते हैं कैसे, रसो ह, इसमें देखिए रसो यानी रस, और ओ की मात्रा के बाद में रस धन, अहम अवग्रह दिख रहा है ना, तो अहम मपसु का आधा म ले लेंगे अहम में, तो रस यानी रस, अहम यानी मैं, और फिर म में जो अ मिक्स किया था अहम में आधा म लिया मपसु का, तो म में जो अ मिक्स किया उससे क्या बन गया अपसु, अपसु यानी जल में, तो जल में रस मैं। आगे कौन्तेय, कौन्तेय यानी कुंती पुत्र अर्जुन, प्रभास्मि, इसमें दो शब्द हैं
प्रभा धन अस्मि, आ और अ की मात्रा मिलकर आ बन गया, इसलिए प्रभास्मि बना। प्रभा यानी जो प्रकाश होता है वो, और अस्मि यानी हूँ, किसमें? शशि, शशि यानी चंद्रमा, सूर्ययोः यानी सूर्य और चंद्रमा में जो प्रकाश है वो मैं हूँ। प्रणवः, प्रणवः ओम जिसे अपन ओंकार बोलते हैं वो होता है। सर्व सभी, वेदेशु यानी वेदों में, सभी वेदों में ओंकार मैं हूँ। आगे शब्दः, शब्द यानी शब्द, खे यानी आकाश में, तो आकाश में शब्द। पौरुषम, पौरुषम यानी पुरुषार्थ। नृषु यानी नर में, मनुष्यों में पुरुषार्थ मैं हूँ। तो इस तरह भगवान ने पूरे श्लोक में क्या बताया कि जो कुछ भी कार्य दिख रहा है उसके मूल में कौन है? परमात्मा है। कि जल में जो रस है वो मैं हूँ। पूरा श्लोक एक बार फिर से, सॉरी, अर्थ ही कुंती पुत्र अर्जुन, जल में रस, शशि चंद्रमा और सूर्य का प्रभा अर्थात प्रकाश मैं हूँ, सभी वेदों का सार ओकार मैं हूँ, आकाश में शब्द और मनुष्यों का पुरुषार्थ मैं हूँ। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। नारायण 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 नारायण।